हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। चैनल मेड इन इंडिया पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है अगरबत्ती मेकिंग मशीन के रॉकेट एंड डाई सेटिंग के ऊपर। दोस्तों, आपका मशीन का स्पीड, आपका स्टिक, आपका धूप का जो क्वालिटी, ये सभी डिपेंड करता है आप रॉकेट एंड डाई ठीक से सेटिंग करते हैं कि नहीं। और ये रॉकेट डाई ठीक से सेटिंग करने के लिए एक चीज जानना बहुत बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये रॉकेट एंड डाई अगरबत्ती को कैसे बनाता है, कैसे ये मसाला और ये जो स्टिक हम लोग यूज करते हैं इसको अगरबत्ती में फॉर्म करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आप इसे जान जाएंगे तो आप अपना मशीन का रॉकेट एंड डाई इजीली सेट कर सकते हैं, आपको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ इसका पीछे लॉजिक क्या है, कैसे रॉकेट एंड डाई अगरबत्ती को फॉर्मेशन देता है, अगरबत्ती को फॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज है ये है डाई, ये देखिए। ठीक है, और ये है रॉकेट और ये है आपका डाई होल्डर। इसी में डाई एंड रॉकेट हम लोग सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं ये देखिए, ये जो छोटा वाला साइड है इधर पे ऐसे डाई जाता है और हम इस नाट को ऐसे लगा देते हैं, और ये जो साइड है, दूसरा वाला जो साइड है, ये देखिए रॉकेट ऐसे ऐसे, इसको अंदर में देखिए, मैं लाइट को जला देता हूँ। देखिए ये देखिए, इसके अंदर में ऐसे रॉकेट घुस जाता है और उसके बाद हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सेटिंग करने से पहले पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये रॉकेट और डाई कैसे अगरबत्ती को फॉर्मेशन करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो ये आपको सेट करने में सबसे सुविधा होगा। ये डाई होल्डर के अंदर रॉकेट एंड डाई का पोजीशन कैसे रहता है ये देखिए, जहां पे ऐसे रॉकेट रहता है, डाई आके जहां पे ठीक इसका जो सेंटर है वहां पे पोजीशन लेता है। ठीक है, और क्या होता है, जो स्टिक है, स्टिक रॉकेट से घुसता है, घुस के डाई के अंदर में ऐसे जाता है। ठीक है, और तब क्या होता है ये देखिए, इसके अंदर में जाता है और क्या होता है, ये जो आसपास के एरिया है जहां से जो मसाला होता है, मसाला जहां पे प्रेशर क्रिएट करता है और मसाला इस बम्बू स्टिक को लेके निकलता है और इसके जो बॉडी है इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसे कोटिंग होके अगरबत्ती होके निकलता है, मतलब क्या है, जहां पे डाई है, रॉकेट है, इस पोजीशन में जो मसाला है इसमें घुसता है, घुस के इसको इसके
पूरे बॉडी पे कोटिंग होता है, होके अगरबत्ती फॉर्म होके निकलता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को ठीक तरीके से करने के लिए हमें रॉकेट डाई को कैसे सेटिंग करना है ये समझ लीजिए। देखिए, ये आपका डाई होल्डर है जहाँ पे डाई बैठा, ठीक है। अभी डाई बैठ गया, अभी हमको जब रॉकेट को जहाँ पे हम पोजीशन ऐसा देना है, अगर ये एकदम मतलब आपका जो डाई है इसके साथ एकदम चिपक के बैठ गया तो क्या होगा, ये जो आसपास के एरिया से मसाला जाने का जगह नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको जो करना है ये जो डाई है और रॉकेट है, ठीक है, इसके अंदर का जो होल है ये तो सेंटर में बैठेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। और ये डिस्टेंस कितना रखना है कि देखिए, ये जो रॉकेट है जहाँ पे देखिए होल है, ठीक है, ये होल इस अगर ये होल नहीं रहता, ये एकदम ऐसा ट्रायंगल के तरह रहता, तो ये जो कॉर्नर है इसको अगर हम आगे बढ़ाया जाए, इसको भी आगे बढ़ाया जाए, तो जहाँ पे एक पॉइंट आएगा, देखिए जहाँ पे एक पॉइंट, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, तो एक पॉइंट आएगा, ठीक है। वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट होगा ये जो डाई का जो ये जो होल है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर आप मतलब इस दोनों को अगर आगे बढ़ाया जाए जिस पॉइंट पे ये मिलेगा, ठीक है, जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा ये जो डाई है, डाई के अंदर का जो सेंटर है, डाई के अंदर जो बोर है उसका जो सेंटर है, हाँ, वो होगा इस दोनों को आगे बढ़ने से जो कॉन्करेंट पॉइंट है वो, तो हमको इसको उतना ही पीछे रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो हम क्या करेंगे, हमको जो करना है पहले इसको हम लोग लगाएंगे, लगाने के बाद ऐसे करके जो रॉकेट है उसको भी लगाएंगे, और क्या करेंगे, मशीन का सेंसर मारेंगे कि थोड़ा सा मसाला जहाँ से निकले, जब मसाला पहले निकलेगा, देखिए जो ऐसे लंबा वाला जो मसाला निकलता है उसके अंदर में एक होल रहेगा, ठीक है, वो होल जब तक है आप मानिएगा कि आपका रॉकेट सही पोजीशन पे नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल्का करना है, रॉकेट को थोड़ा पीछे करना है, फिर सेंसर मारना है, देखिएगा होल छोटा होता जाएगा, ठीक है। ऐसे करते 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 एक पॉइंट पे आके होल एकदम पिन पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तब क्या करना है, और थोड़ा सा आप उसको पीछे लीजिए रॉकेट को, उसके बाद सेंसर मारिए, देखिएगा होल बंद हो गया है, मतलब रॉकेट ऐसे पोजीशन पे आ गया है कि उसका सामने वाला हिस्सा को अगर आप टानिएगा तो इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, रॉकेट का जो माथा है उसका कॉन्करेंट पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे अगर आप कट्ठी देंगे, ठीक है, तो उसके आसपास से मसाला उसका कॉन्करेंट पॉइंट से कट्ठी को लेके उसके ऊपर पेस्ट होके निकलेगा। ये है मेन फंडा रॉकेट और डाई सेटिंग करने का, ठीक है। अगर आप ये ठीक से सेटिंग कर लिए तो आपका मशीन बहुत बहुत फास्ट चलेगा, और जो मसाला है, मसाला में पानी का परिमाण ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है, पानी का परिमाण ऐसा दीजिए कि वो एकदम स्टिकी टाइप का मसाला ना हो। अगर मसाला स्टिकी टाइप का होगा तो क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप सब कुछ ठीक ठाक किए, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ऐसे काठी सेटिंग है, ठीक है, क्या होगा, मसाला काठी के आसपास से निकल जाएगा, स्लिप करके निकल जाएगा, काठी को लेके नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो क्या हो, उस पर थोड़ा सा सूखा मसाला मिक्सिंग करके उसको थोड़ा सूखा बनाना है कि उसमें वो स्लिप करके ना निकले, ठीक है। ऐसे करके अगर आपका मसाला का मिक्सिंग, उसका पानी का परिमाण ठीक रहा और रॉकेट और डाई का सेटिंग ठीक रहा, आपका मशीन बहुत बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है, ये बात कोई नहीं बताता, ठीक है। अगर ये बात आप जिससे मशीन परचेस किया उसको बताएंगे तो ठीक है, हमारा आदमी जाएगा, जाके दिखा देगा, हमको 1200 रुपया दे देना, ऐसा ही बोलेगा, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, ये एकदम सिंपल बात है,
ठीक है, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।